लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो लड़ने का जज्बा था वो नहीं छोड़ा। अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने के बाद भी उन्होंने स्क्वैश खेला, फ्लोर के ऊपर डांस किया और फौज की वो सारी एक्सरसाइजेज वगैरह की जो प्रमोशन वगैरह के लिए जरूरी होती है। ऐसे कमांडिंग ऑफिसर के नीचे सेवा करके मैं अपने को अहोभाग्य समझता हूँ। 71 की लड़ाई के बारे में जो पालीवाल जी ने आपको बताया, पालीवाल जी जो ट्रेल लेकर आए थे, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। और वो जो 1000 पाउंड का बम पाकिस्तानी जहाज ने ट्रैक पे गिराया था, उसकी मिट्टी उछलकर मेरे ऊपर भी गिरी, क्योंकि उस ट्रैक के दोनों तरफ का जो इलाका था उसकी सुरक्षा के लिए जो ट्रुप्स लगाए थे उनमें मैं भी शामिल था। युद्ध के अंदर वीरता प्रदर्शित करना हर एक सैनिक का कर्तव्य भी है और उसके दिल की चाह भी है। सेना में जो भी भर्ती होता है उसे सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होती है। सैनिक के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है वो अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों से, अपने गांव वालों से और अपने मुल्क के बाशिंदों से इज्जत हासिल करना। ये जिसने हासिल कर लिया उसने फौज की तरबियत को एक आला दर्जे पर पहुंचाया। ये चीजें आपने मिलिट्री लिटरेचर में बहुत पढ़ी होगी। जो 71 की लड़ाई के बारे में अभी हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में भी बहुत लिटरेचर अवेलेबल है, लोगों ने अपने संस्मरण लिखे। और अब तो ये हालत है कि इंटरनेट के जमाने में जो पाकिस्तान वालों ने अपने संस्मरण लिखे, अपनी किताबें लिखी, वो भी अवेलेबल है। इसलिए उसके बारे में आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के सामने ज्यादा वर्णन करना समय की पाबंदी के कारण मुमकिन नहीं होगा। मैं जिस वंश में पैदा हुआ हूं उसके डीएनए में, जैसे हिम्मत सिंह जी उज्ज्वल शायरी लिखते हैं, तो शायरी और साफ गोई ये दो चीजें बिल्कुल हैं। मैं अपने इजहारे ख्याल में एक मसले पर बहुत ही साफ गोई से जो इंटेलिजेंसिया है, जो देश की भावी पीढ़ी को बनाने वाले हैं, वो जो आज यहां पे बहुतायत में उपस्थित हैं, मैं उनसे एक शिकायत करना चाहता हूं। मेरी शिकायत है, और ये मसला भूतपूर्व सैनिकों की इज्जत के बारे में, आप यकीन मानिए कि कोई सैनिक अपने सामने वाले जिससे वो युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, उससे नफरत के कारण वो नहीं लड़ रहा। वो लड़ता है हिंदुस्तान के झंडे की शान, मुल्क के वाशिंदों और सनातन काल से चली आ रही तहजीब से हम सैनिक समाज के लोग बेपनाह इज्जत और मोहब्बत करते हैं। हमारी वतन परस्ती हिमालय से ज्यादा बुलंद है, समंदर से ज्यादा गहरी है और मन की रफ्तार से ज्यादा तेज है। अपने इस बेपनाह मुकद्दस
ख्यालों में फौजी के जहन में अव्वल तरीन जो बात होती है वो होती है इज्जत। जब मैंने वर्दी पहनी तब से आज तक फौज की इज्जत में लगातार होती कमी पर मुझे बहुत अफसोस होता है। आपके सुनने में अजीब लगा इसलिए दो वाक्यों का जिक्र जरूर करूंगा। सन 1971 की जंग को जीतने वाला जो सिपहसालार फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जब फील्ड मार्शल बने, आप में से कईयों को यह ध्यान होगा कि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता। आर्मी चीफ से जब वो फील्ड मार्शल बन गए तो राजनीतिज्ञों को उनकी कुर्सी थोड़ी हिलती नजर आई और उन्होंने कुछ इस तरह का वातावरण बना लिया जिसमें फील्ड मार्शल को अपने कि जब तक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है मैं दिल्ली में पांव नहीं रखूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी को कंधा देने के लिए ही वो सिपहसालार वापस दिल्ली में आया। अब आप देखिए फौज की इज्जत के बारे में जो मैं बता रहा था, ऐसे तगड़े फील्ड मार्शल को हमारी सरकार ने एक पैसा तनख्वाह का नहीं दिया फील्ड मार्शल का। और जब राष्ट्रपति कलाम उनसे मिलने गए तो बातों बातों में कलाम साहब को इस बात का पता लगा तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने जाके रक्षा मंत्रालय के अंदर लताड़ लगाई और हफ्ते भर बाद में 1 करोड़ से ज्यादा का एक कोई चेक लेके एक अंडर सेक्रेटरी फील्ड मार्शल के पास हॉस्पिटल में पहुंचा जहां फील्ड मार्शल अपनी ऑलमोस्ट मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। इस देश के इतने बड़े सिपहसालार की इज्जत का इस तरह से फालूदा निकले और हमारे इंटेलिजेंसिया में से कोई भी संपादक को पत्र नहीं लिखता, कोई भी एमपी को पत्र नहीं लिखता, कोई प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखता। की लड़ाई जीतने के बाद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि फौज की जो पेंशन थी वो 75% से घटा 50% जीत के दम। एक मुद्दा आपने शायद कहीं पढ़ा होगा लिखा होगा जिसके लिए आज भी जनता मंत्र पुराने फौजी हड़ताल पे बैठे पर भारत सरकार के मंत्रियों ने लाठीचार्ज करवाए, उनके कपड़े फाड़े, उनके मेडल छीने। इस तरह से कमतर होती हुई इज्जत चुभती है, दर्द देती है। एक राजस्थान की बहुत मशहूर गायिका थी अल्लाह दिलाई बाई, मान का बहुत अच्छा गायन करती थी। उनको पद्मश्री का पद्मश्री का सम्मान दिया गया। उनसे बाद में बीकानेर में किसी ने पूछा आपको कैसा लगता है, तो देसी महिला थी, कहा मुझे बहुत बुरा लगता है कि सम्मान मिलने से पहले तो कोई सेठ ठौका कुछ बख्शीश दे दिया करते थे, अब वो कहते हैं आप तो पद्मश्री हो, हम आपको क्या दें। भूतपूर्व सैनिकों की इज्जत और इकबाल से जुड़े मसले पर कुछ चंद लाइनें मैंने लिखी थी जो हमारे यहाँ पे लेक सिटी बैटन का ग्रुप है उसमें मैं साझा करता था। आता नहीं है वो वक्त जो वीरान सन्नाटों में गया, पूर्व सैनिक आजादी के बाद से आज तक अपने सारे फर्ज पूरा पूरे करके गया, बेमुरव्वत प्रधान सेवक अपने वादों से मुकर गया, लौटता नहीं है वो वक्त जो वीरान सन्नाटों में गुजर गया। रेवाड़ी के जलसे में मोदी ने कमल की जीत का आगाज, हमने मोदी को कमल की जीत का आगाज कराया,
वो गर्द गुबार उड़ाता हुआ दूर दिल्ली के लाल किले की प्राची से आगे तक निकल गया। प्रधानमंत्री बनकर मोदी और मुल्क पूर्व सैनिकों को दिया हुआ करार भूल गया। लौटता नहीं वो वक्त जो वीरान सन्नाटों में गुजर गया। उसे ज्ञान है उसका और कोई सानी नहीं। ना पंजे पंजे क्या हुई एक चिन्ह कमल बे मौसम में लौटता नहीं है जो वीरान सन्नाटों में गुजर गया। हमने अगली बार के जंग का लगाम बांधने में देर नहीं। पछताएगा सारा देश हाथ से लेह निकल गया। लौटता नहीं है वो वक्त जो वीरान से लड़कर गुजर गया। अनुशासन छोड़ सैनिक मचल देखते रहोगे वो कैसे संवैधानिक मुद्दों को पार कर गया। पिंजरे में लौटा नहीं बंदिशें छोड़कर वो शेर जो बाहर निकल गया। लौटता नहीं है वो जो वीरान सन्नाटों से गुजर गया। शतायु पूर्व सैनिक अनेक है वो और कितना इंतजार करें। जीत के जश्न की आधी शताब्दी का वक्त गुजर गया। पूरी ओआरओपी के तमन्ना में शहीद की बेबी बेवा और उसकी मां का मन मुरझा गया। लौटता नहीं है वो वक्त जो वीरान सन्नाटों से गुजर गया। अपनी जवानी जज्बा जोश हम लोगों ने कुर्बान किए। देश के भविष्य के लिए फौजी ने अपना वर्तमान कुर्बान किया। अफसोस बुजुर्ग सैनिकों से किया वादा पूरा करने के लिए न मोदी और न मुल्क में किसी ने अपनी आवाज को बुलंद किया। लौटता नहीं है वो वक्त जो वीरान सन्नाटों में गुजर गया। ये इजलास नहीं जाता बूढ़ी सेवा और बेहाल मां का हाल क्या है। जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने भारतीय सेना की सेवा करके हिंदुस्तान देख अपनी सेवाएं दी। रिटायर होने के बाद हॉस्पिटल खोलने की योजना उसका स्थापित करना और 4 साल तक लगा उसको चलाने का मुझे मिला। तब आर्थिक हालात से जूझते हुए देखा तो मैं अंदर तक खेल गया और इस तरह की बंद कह ये जानता बूढ़ी सैनिक बेवा और बेहाल मां का हाल क्या है। दिल पर हाथ रखे सोचे पूर्व सैनिकों के लिए आप लोगों ने किया क्या है। बिना रोए मां भी दूध नहीं पिलाती। चुप रहने का वक्त अब गुजर गया। फौजी मसलों पर अखबारों और सांसदों को आपने कोई खत क्यों नहीं आपकी तरफ से कोई खत क्यों नहीं गया। लौटा नहीं कभी वो वक्त जो वीरान सन्नाटों में गुजर गया। जय हिंद।